एविएशन सेक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे इंडिया में हमेशा से अनप्रॉफिटेबल माना गया है, और इस सेक्टर के अंदर हमने बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी बर्बाद होते हुए देखा है। जैसे कि पिछले 10 सालों में भारत के अंदर जेट एयरवेज, किंगफिशर, सहारा एयरलाइन और यहां तक कि एयर डेक्कन जैसे बड़े प्लेयर्स भी प्रॉफिट नहीं कमा पाए, और मजबूरी में इन्हें एविएशन सेक्टर से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन इन्हीं एयरलाइंस के बीच एक ऐसी कंपनी भी थी जो साल दर साल अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ाती जा रही थी। जी हाँ, मैं किसी और नहीं बल्कि इंडिया के एविएशन सेक्टर में क्रांति लाने वाली कंपनी इंडिगो की बात कर रहा हूँ, जिसके जरिए ऑन एन एवरेज भारत के हर 100 में से 57 पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। अब कैसे अपनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी से इंडियन एविएशन मार्केट के बड़े बड़े जायंट्स को भी पीछे छोड़कर इंडिगो ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली, और सबसे सस्ते टिकट देने के बावजूद किस तरह पिछले 10 सालों से यह एयरलाइन कंटीन्यूअसली प्रॉफिट कमा रही है, चलिए इन सभी सवालों का जवाब हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, 2006 में इंडिगो एयरलाइंस को शुरू किया था राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने। जब ये दोनों फाउंडर्स ने इंडियन एविएशन स्पेस में एंटर किया था, तब मार्केट में एयर इंडिया, डेक्कन और जेट एयरवेज की तरह कई बड़े बड़े जायंट्स पहले से ही मौजूद थे। अब इन एयरलाइंस का इंडिया के आसमान में तो बड़ा कब्जा दिखाई देता था, लेकिन असल में ये कंपनीज लगातार लॉसेस फेस कर रही थी। वैसे तो इंडिगो एयरलाइन को 2004 में ही लाइसेंस मिल गया था, लेकिन बाकी कंपनीज के लॉसेस को देखकर इनके फाउंडर्स इस सेक्टर में आगे बढ़ने से घबरा रहे थे, और यही वजह है कि 2 सालों तक काफी डीप स्ट्रेटेजी बनाने के बाद फाइनली 4 अगस्त 2006 को इंडिगो ने अपनी पहली उड़ान भरी। अब शुरुआत के कुछ साल बाकी एयरलाइंस की तरह इंडिगो को भी नुकसान झेलना पड़ा। जहां 2006-07 में 200 करोड़ रुपए, तो वहीं 2007-08 में 234 करोड़ रुपए डूब गए। पर इनकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि 2008 के बाद अचानक इंडिगो प्रॉफिट कमाने लगी, क्योंकि जहां इस टाइम सभी एयरलाइंस डूब रही थी, वहीं इंडिगो को 2009 में 82 करोड़ रुपए, तो 2010 में 484 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वो समय था जब पूरी दुनिया द ग्रेट रिसेशन से उभरने में लगी हुई थी, और फिर एक बार प्रॉफिट में आने के बाद से तो इंडिगो ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इनके फायदे साल दर साल लगातार बढ़ते ही चले गए। पर क्या आपको पता है, इंडिगो ने अपनी मोनोपोली क्रिएट की मेनली 3 पिलर्स पर फोकस करके, फर्स्ट लो फेयर, सेकंड बीइंग ऑन टाइम और थर्ड डिलीवरिंग अ हसल फ्री एक्सपीरियंस। अब एविएशन इंडस्ट्री में एयरलाइंस को शुरुआत करने के लिए पानी की तरह पैसे बहाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहले से मौजूद एयरलाइंस थे वो भी अपने टिकट प्राइस पर नाम मात्र का ही प्रॉफिट कमा पा रहे थे। ऐसे में इंडिगो के लिए चैलेंज ये था कि उन्हें पहले तो मार्केट के एग्जिस्टिंग एयरलाइंस से कम प्राइस पर टिकट ऑफर करने थे, और दूसरा खुद को प्रॉफिट में भी रखना था। वैसे तो यह काम किसी भी नए एयरलाइन के लिए बहुत कठिन था, लेकिन इंडिगो ने ऐसा करके दिखा दिया। पर किया कैसे, ये समझने के लिए हमें वापस 2005 में चलना पड़ेगा, जब इंडिगो अपना बिजनेस मॉडल प्लान कर रहा था। उस समय इसने एयरबस को 100 एयरक्राफ्ट का बल्क ऑर्डर दिया था, जिसकी ऑर्डर वैल्यू थी $6 बिलियन, और ये उस टाइम एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील थी। अब एयरबस के एयरक्राफ्ट 1988, 90 और 92 में इंडिया के अंदर कई बड़ी दुर्घटना के शिकार हो गए थे, इसीलिए बाकी कंपनी सिर्फ बोइंग एयरक्राफ्ट को ही खरीदना प्रेफर करती थी, और एयरबस को इंडियन मार्केट से अलविदा कहना पड़ गया था। लेकिन सवाल यह है कि राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने एयरबस के एयरक्राफ्ट को खरीदने का रिस्क ही आखिर क्यों लिया? एक्चुअली दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत सोची समझी चाल थी। असल में अपने एयरक्राफ्ट्स की सारी प्रॉब्लम्स पर काम करके उसे फिक्स करने के बाद एयरबस इंडियन मार्केट में रीएंटर करने का एक गोल्डन चांस तलाश रहा था। ऐसे में जब उसे इंडिया से 100 एयरक्राफ्ट का बल्क ऑर्डर मिला, तो उसने उस ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी दिया, और कुछ रिपोर्ट्स का तो कहना है कि ये डिस्काउंट 50% तक था। अब इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इंडिगो को कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन फाउंडर्स का प्लान सिर्फ सस्ते प्राइस पर एयरक्राफ्ट को खरीदकर उन्हें आसमान की सैर कराना नहीं था, बल्कि उन्होंने इससे बहुत आगे की सोच कर रखी थी, और अपने इसी प्लान पर अमल करते हुए इन्होंने सेल एंड लीज बैक स्ट्रेटेजी को अपनाया। यानी कि इंडिगो ने पहले आधे दाम पर एयरक्राफ्ट खरीदे, और फिर उसे करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग 20 या 30% के प्रॉफिट के साथ एक एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी BOC एविएशन को बेच दिया। अब इस स्ट्रेटेजी से उन्होंने एयरक्राफ्ट को खरीदने में लगने वाला कॉस्ट भी रिकवर कर लिया, साथ ही 20 से 30% का प्रॉफिट भी कमा लिया। और दोस्तों, जैसा कि इंडिगो के फाउंडर्स पहले से ही जानते थे कि एविएशन इंडस्ट्री एक बेहद रिस्की फील्ड है, और पहले ही बहुत सारी एयरलाइंस यहां अपने लॉसेस को रिकवर करने में लगी हुई हैं, इसीलिए इन एयरक्राफ्ट को बेचने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि किसी भी मुश्किल समय में सर्वाइव करने के लिए कंपनी ने खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन सवाल यह है कि जब सारे एयरक्राफ्ट बेच ही दिए, तो फिर उड़ान कैसे भरेंगे एयरक्राफ्ट को लीज पर लेकर?
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिगो ने वापस उसी लीजिंग कंपनी BOC से ही 5 से 8 साल के लिए कुछ एयरक्राफ्ट लीज पर ले लिए, और इस सबसे फायदा ये हुआ कि एक बार में ही सारे एयरक्राफ्ट बेचकर उन्होंने काफी सारे पैसे सेव कर लिए, और फिर धीरे धीरे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लीजिंग कंपनी को देकर आराम से अपना बिजनेस ऑपरेट करने लगे। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि किंगफिशर भी तो लीज पर ही एयरक्राफ्ट को लेता था, फिर उसने प्रॉफिट क्यों नहीं कमाया। असल में इसकी वजह थी उसकी सर्विसेज। किंगफिशर लोगों को एक लग्जरी ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस ऑफर करने पर फोकस कर रहा था, जिस वजह से उसे प्लेन के अंदर फूड, एंटरटेनमेंट सिस्टम और कई तरह की चीजें भी कैरी करनी पड़ती थी, और इसकी वजह से प्लेन का फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाता था, साथ ही लग्जरी चीजों को प्रोवाइड करने में भी काफी खर्च होते थे। ऐसे में न चाहकर भी कंपनी को टिकट का प्राइस बढ़ाना ही पड़ता था। अब इंडिया एक ऐसा देश है जहां लोगों को लग्जरी चीजें तो बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके लिए एक बड़ा अमाउंट पे करना उन्हें बिल्कुल नहीं भाता। यही वजह थी कि किंगफिशर लग्जरी एक्सपीरियंस देने के बावजूद कभी भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं बन पाया और विजय माल्या को कर्जे में डुबो दिया। वहीं अगर हम इंडिगो की बात करें तो उसने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को रिमूव करके सिर्फ उन्हीं पर अपना फोकस रखा जिसकी जरूरत सच में पैसेंजर्स को पड़ती है। इससे प्लेन का फ्यूल कॉस्ट काफी रिड्यूस हो गया। इसके अलावा इंडिगो ने कम स्टाफ के साथ बेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल जेट एयरवेज जहां पर एयरक्राफ्ट 180 एम्प्लॉइज रख रहा था, वहीं इंडिगो ने पर एयरक्राफ्ट सिर्फ 96 एम्प्लॉइज रखे, जिससे स्टाफ पर किए जाने वाले खर्चे भी काफी हद तक कम हो गए। और यही वजह थी कि इंडिगो अपने टिकट्स के दाम इतना कम करने में कामयाब रहा था। लेकिन चीप टिकट्स और लेस एम्प्लॉयज का मतलब ये हरगिज नहीं था कि वो सर्विस खराब प्रोवाइड कर रहा था, बल्कि इसका सर्विस स्टैंडर्ड दूसरी कंपनीज के साथ बराबर मैच करता था। इसके बाद इंडिगो के लिए एक और बड़ा चैलेंज था ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना, जिसके लिए उसने अपनाया हब एंड स्पोक मॉडल को, और इसका प्राइमरी हब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया। यानी कि इंडिगो को मुंबई से श्रीनगर के लिए लंबी उड़ान भरनी हो या फिर जयपुर से लखनऊ के लिए छोटी उड़ान, सबसे पहले वो अपने सारे पैसेंजर्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर आएगा, और फिर यहाँ से अलग अलग प्लेन्स के जरिए अपने पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। और दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी से इंडिगो कम से कम प्लेन की मदद से अपने पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है, और इससे उनका काफी सारा फ्यूल भी बच जाता है। 2011 में इंडिगो ने एयरबस को दोबारा 180 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी स्टार्ट कर दी। एक्चुअली इंडिगो यह काम पहले भी कर सकती थी, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट के परमिशन के लिए यह जरूरी होता है कि वो एयरलाइन अपने देश में पहले 5 साल ऑपरेट कर चुकी हो। इंडिगो ने आगे के कुछ साल ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें अपना लॉयल कस्टमर बनाने पर फोकस किया। साथ ही कैश रिजर्व की वजह से मार्केट क्राइसिस या फ्यूल के बढ़ते दाम के बावजूद भी इनके बिजनेस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसके अलावा इंडिगो की एक और स्ट्रेटेजी बहुत कमाल की है, और वो ये है कि इनके पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो सेम मॉडल के हैं, जबकि बाकी सभी एयरलाइन अलग अलग सर्विसेज देने के लिए अलग अलग मॉडल्स के एयरक्राफ्ट का यूज करती हैं। अब शुरुआत के उस दौर में एयरक्राफ्ट सेम होने का फायदा ये हुआ कि उन्हें अलग अलग प्लेन्स के लिए अलग अलग स्टाफ की ट्रेनिंग या हायरिंग नहीं करनी पड़ी, इन्हें संभालना आसान था और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी लो हो गया। इस तरह कम कॉस्ट में ऑन टाइम एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके इंडिगो इंडियन एविएशन मार्केट का लीडर बन गया। आज इंडिगो के हर दिन 1600 फ्लाइट्स 101 अलग अलग डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं, और इस एयरलाइन ने अब तक 3,000 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। साथ ही इंडिगो को दुनिया के सबसे पंक्चुअल एयरलाइंस में भी शुमार किया जाता है। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में भी इंडिगो इसी तरह से नंबर वन पोजीशन पर बना रहता है, या फिर इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर टाटा की विस्तारा एयरलाइन इसकी पोजीशन हासिल कर लेगा। वैसे इंडिगो के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।